प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, और उसके ऊपर जनता जनार्दन तो देखिए वो सबसे ऊपर है ही। आगे लिख रहे हैं वो, ये जीत डबल इंजन सरकार के सुरक्षा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। कार्यकर्ताओं को नीचे वाला पड़ी पहले। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार, और सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, जिस मोदी योगी कॉम्बो की बात होती है ना, वो यहाँ है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो अकल्पनीय है। भले 9 सीटों के विधानसभा उपचुनाव हो, और जब हम लोग पहले दिन चर्चा किए थे, आपको ध्यान में होगा कहानी कुर्सी की में, तो अलग अलग राय थी कि एक मुख्यमंत्री को क्या इस तरह से उपचुनाव में अपनी प्रतिष्ठा दांव में लगानी चाहिए, क्या इस तरह से उतर के हार गए तो क्या होगा, समाजवादी पार्टी का तो बढ़त है, मुस्लिम सीटें 30-40-50% तक वाली। उन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ उतरे, बटने नहीं दिया, कटने नहीं दिया। और तो अब ये 2027 तक का नारा तो पक्का हो गया निश्चित तौर पर, इसमें अब कोई भ्रम नहीं। और एक और बात मैं कह दूं, योगी आदित्यनाथ को कई बार कहा जाता है ना कि वो पुलिस तो ठीक है, कानून व्यवस्था तो ठीक है, प्रशासन पर उतना नियंत्रण नहीं है। इन परिणामों के बाद मैं एक लाइन जोड़ता हूं, योगी आदित्यनाथ प्रशासन को नियंत्रित करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अखिलेश जी की जुबान में बोल रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी तो खैर उनकी जुबान तो थोड़ा प्रशासन को ठीक रखना जानते हैं वो। ये जरूरी है ना। अगर दो बातें समझनी चाहिए कि शरद पवार जी का भी जो हार हुई वो इससे ये बता रहा है कि आप चुनाव मैदान में जो लोग लड़ते नहीं है ना वो नहीं जीतते, लड़ने वाले भी हार जाते हैं। शरद पवार नहीं लड़ते? नहीं, लड़े नहीं ना, मतलब पूरी तरह से वो एक बड़े राजा की तरह से हैं, बड़ा नाम है, और सब लोग रोज समीर जी, हर्षवर्धन जी, उनको और बड़ा नेता बनाते तो वो समझते बड़े ही नेता होंगे। और अजीत पवार उस मैदान में वो लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में खासतौर से पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स की तरह से समझिए। कोई भी उठ खड़ा होगा कभी वो भी। हर अपनी राख से फिर खड़े होते हैं, इसलिए ये कहना कि आज उनका नहीं, आप ये आप... कहना चाह रहे हैं चाचा भतीजा फिर मिल जाएंगे? कोई भी कब खड़ा हो सकता है राख से? कहां, राज ठाकरे भी तो हैं। नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ करके खड़े होते हैं, हर बार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिनिक्स का एक नतीजे से किसी को आप फातिहा पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से कॉम्बो की बात कर लेते हैं। ये जो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, समीर जी, ये कॉम्बिनेशन 2027 तक चलने वाला कॉम्बिनेशन है, ये वो कॉम्बिनेशन है जो चैलेंज कर दिया था ना अखिलेश यादव ने अपने पीजीए के फॉर्मूले के साथ, कि इस बार योगी आदित्यनाथ का वो धर्म वाला नारा, वो धर्म वाली पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगी, लेकिन वो तो चल रही है। देखिए, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के सिर्फ विधानसभा चुनाव के नहीं है। ये जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बिहार के विधानसभा चुनाव में चलेगा, और उसके बाद 2029 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तब भी ये मुझे लग रहा है एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। दिल्ली की बात, दिल्ली तो फिर भी ठीक है कि दिल्ली एक छोटा स्टेट है, और यहाँ आप कुछ भी कर लो, यहाँ तो मतलब पता है कि मतलब कहाँ वोट जाने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। बिहार सबसे बड़ा इसका मतलब परीक्षण होने वाला है। दिल्ली पर लेकिन एक बात बोलूं सर, दिल्ली में वो जो रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स है आप देखिए ना, इन दोनों ही राज्यों में मैं महिला होने के बावजूद ये बात कह रही हूँ, वहां पे महिला सम्मान, जो मैया सम्मान और लड़की बहन, भाई ये क्या है, रेवड़ी है ना ये भी। अरे तो जनवरी में तो रेवड़ी चलती है ना, सर्दी इतनी है तो दिल्ली में भी रेवड़ी चलेगी। दिल्ली में सर्दी और चुनाव दोनों में रेवड़ी चलती है। गजब है सर, गजब है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन लेकिन सर रेवड़ी तो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की ही मशहूर है। तो योगी आदित्यनाथ के पूरे लंबे ट्वीट के अंदर जो आखिरी लाइन थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सूत्र वाक्य है ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए। महाराष्ट्र में चला, यूपी के उपचुनाव में चला, झारखंड में उतना नहीं चला, ये बात ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में तो यही नारा रहने वाला है जो उपचुनाव में कामयाबी के साथ इस्तेमाल हो गया। पर इसके साथ कुंदरकी नहीं समझ में आता है थोड़ा सा, बस उसी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, 60% मुस्लिम वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है। अभी एक वो मामला वहां वो भी तो था, इल्मा अफरोज भाई वाला, अभी मुझे किसी ने ध्यान दिलाया और हम लोगों ने एक दिन चर्चा भी की थी लेकिन वो रह गया था।
अब वो क्या इतना बड़ा मसला हो गया, क्योंकि इल्मा अफरोज आईपीएस ऑफिसर हिमाचल में पोस्टिंग, कांग्रेस के एक विधायक की पत्नी की गाड़ी का चालान किया, उनको छुट्टी पर भेजा गया, वो और लंबी छुट्टी पर चली गई, और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने उनसे मिलकर सहानुभूति जताकर उसमें आगे बढ़े, और चूंकि उनका बड़ा सम्मान है वहां, कोई भी होता है ना कि अपने घर की बेटी है, बड़ी अधिकारी बन गई है और प्रतिष्ठित है, अब क्या उससे इतना कुछ हुआ है, यह भी एक है, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग खुद ही इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, कुंदर की नहीं समझ में आ रहा है, तो इल्मा अफरोज का भी मामला दिखता है, घटनाक्रम हुआ। जो बात आप पहले कह रहे थे कि भाई ये चर्चाएं योगी जी ने अपने आप को इतना क्यों झोंका इस उपचुनाव में, मतलब अभी अयोध्या का नहीं हुआ है मिल्कीपुर वाला, लेकिन अगर आज वो साथ में होता तो बहुत क्या लगता नहीं कि बहुत विपरीत परिणाम होते, ये जगह जी 7-2 जब दिखाई दे रहा है तो आज बीजेपी मना रही होगी कि हो ही जाता है इसके साथ ही। अखिलेश यादव राहत ले रहे होंगे, अच्छा हुआ नहीं चुनाव हुआ उसके, कम से कम कहने के लिए तो हो गया कि वो सीट में जीत सकता हूं, भी एक बच गए। देखिए जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव परिणाम आए थे कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई, अखिलेश यादव 37 सीटों पर पहुंच गए, उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी परीक्षा थी 9 सीटें उपचुनाव की, क्योंकि इसके बाद कोई 2027 तक कोई चुनाव नहीं होने वाले, तो ये चुनाव ही सबसे बड़ी परीक्षा थी योगी आदित्यनाथ की, जो लोकसभा में परिणाम हुआ है, जो पीडीए चला था लोकसभा चुनाव के अंदर अखिलेश यादव के साथ, क्या वो पीडीए फिर से अखिलेश यादव के साथ बना हुआ है विधानसभा चुनाव में, अगर अखिलेश यादव या फिर वैसा ही प्रदर्शन करते हैं तो ये एक बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए। एक चर्चा ये भी चल रही थी सर कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती और जो हो गया उसके बाद जो बीजेपी के अंदर की खटपट थी, योगी जी के खुद के उनके जो कुछ सरकार में शामिल लोग भी जो शायद बहुत प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो भी विवाद एक बार के लिए शायद थम जाएगा, खत्म नहीं होगा तो कम से कम थम तो जाएगा, क्यों त्रिपाठी जी होगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि बार बार जो एक अफवाह तंत्र सा सक्रिय होता है और उसको लेकर कई बार कहा जाता है, अब ये तो सब जानते हैं कि भाई हर पार्टी में राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलती है, होती है, लेकिन यहां मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अफवाह थी, और अभी इसके बाद तो ये पूरी तरह से लॉक हो गया, अब तो जिसको कहते हैं, और देखिए अभी हम लोग कुंदर की भी बात कर रहे हैं तो लोग देखते हुए कितना इस शो को देखते हुए मुझे कह रहे हैं कि आप लोग जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जिसको एक लाइन में हम लोगों ने बोला, यानी जो संघ कहता है, जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, यानी घर वापसी जैसी एक चीज जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ पॉलिटिकल भर नहीं है, वो यूं ही नहीं है, तो ये भी मुझे लगता है कि एक उसमें शामिल किया।